नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, वैक्सीन की कमी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि वैक्सीन पर्याप्त है और वैक्सीन मिल रही है। वहीं उन्होंने बताया कि वैक्सीन का सेकेंड डोज लग रहा है, भारत सरकार से बातचीत चल रही है, प्रदेश को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मिले। डेल्टा वेरियंट के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि हम रोज़ जाँचें कर रहे हैं, लगभग प्रदेश में 75,000 जाँच रोज़ हो रही है और डेल्टा के जो भी केस आ रहे हैं NCDC दिल्ली को भेज रहे हैं, वहाँ से जाँच कराई जा रही है। आपूर्ति नहीं हो पा रही सर, क्या कमी है सर, क्या है मामला? नहीं, वैक्सीन मिल रही है और जितनी भी वैक्सीन मिल रही है, भारत सरकार से बातचीत चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मिले और आगे वैक्सीन और मात्रा में मिलेगी तो हम लोग लगाएंगे। डेल्टा वेरिएंट के नए मामले सर सामने आ रहे हैं सर, उनके मरीजों के इलाज के लेकर सर कोई व्यवस्था? सर सबका जो भी लोगों के लिए जांच हो रही है और लगभग 75,000 जांच हम लोग डेली कर रहे हैं और इस तरीके की जो भी केस आ रहे हैं उनको भी NCDC दिल्ली को भेज रहे हैं, वहां से भी जांच कराई जाती है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।